हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी ने दोनों ने मिलकर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर दिया गया। इसी बीच आपको चले बहुजन समाज पार्टी की ओर से अब पहली प्रत्याशी सूची को लेकर भी चर्चाएं तेज हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव आपको जो प्रवीण फतेहपुरे ने बताया कि बहुजन समाज पार्टी की ओर से गठबंधन में मिली 37 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी की ओर से प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की जा रही है। आपको चले बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी के दोनों के नेताओं के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बहुजन समाज पार्टी की ओर से नेता प्रवीण आपको फतेहपुरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने बताया कि बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन में 37 सीटें मिली और इस 37 सीटों को लेकर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश स्तरीय बैठक भी रखेगी। इस बैठक में इन तमाम उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा किया जाएगा और अंतिम फाइनलिस्ट बसपा सुप्रीमो मायावती और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को दी जाएगी। फिर आपको चले तो वहां से जो नाम तय होकर आएंगे उन नामों के आधार पर बहुजन समाज पार्टी की ओर से हरियाणा में अपनी पहली प्रत्याशी सूची जारी कर देगी। आपको चले तो हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी दोनों मिलकर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और अभी तकरीबन 2.5 महीने के बाद यहां पर विधानसभा चुनाव भी होने। इस विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा। इस दौरान तमाम नेताओं ने हाथ मिलाकर आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकता का परिचय दिया और बहुजन समाज पार्टी के और भी नेता यहां पर मौजूद रहे और प्रवीण फतेहपुरी जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव है, उन्होंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी इस बार हरियाणा में अपनी सरकार बनाने जा रही है और भारी बहुमत के साथ चुनाव मैदान में बहुजन समाज पार्टी जीत कर आएगी। आपको चले तो इस गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी को 37 सीटें मिली और 37 सीटें ऊपर बहुजन समाज पार्टी का नामों का मंथन भी शुरू हो चुका है। मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेटों के साथ, तब तक लेते हैं विदा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल।